हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज बात कर लेते हैं जो सीरीज रिलीज हुई है रवि किशन की, मामला लीगल है। मामला लीगल एक ऐसी सीरीज है, मामला लीगल है ऐसी सीरीज है कि एक कॉमेडी वे में बताया गया है कि लॉयरों का क्या प्रॉब्लम है। जब नए लॉयर बनते हैं तो उनको कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और जो पुराने एग्जिस्टिंग लॉयर हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। एक फनी वे में बताया गया है कि भाई ये कहानी है फिर दिल्ली, फिर ये कहानी है पपड़गंज, ठीक है, वहाँ के कोर्ट रूम की। ओके, तो वहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि नए नए लॉयर्स को कितनी प्रॉब्लम्स होती है। क्या कहते हैं, पहले तो ट्रेनी इंटर्न करो, फिर उसके बाद केसेस लो, फिर वो सब चीज़ें किस तरीके से हार्डल करने पर केस मिलता है। इसमें रवि किशन की एक्टिंग बहुत अच्छी रही एंड कॉमेडी बहुत है। बट कॉमेडी वे में कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो जोन लॉयर्स का, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये लोग फेस कर रहे हैं। उसमें बताया गया है, फनी वे में ही सही बट बताया गया है कि किस तरीके से अगर केस आ जाए, दो कम्युनिटीज है लॉयर्स की पुलिस की, तो अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट ठहरना। वो फनी वे में है पूरा, ऐसा कोई सीरियस या कोई वो नहीं। एक दो इमोशनल सीन है जहाँ पे रवि किशन अपने फादर से इंटरेक्ट होते हैं, तो फिर वो कुछ चीज़ें बताई जाती है कि हाँ भाई इमोशनली कुछ बताया दिखाया जाता है, जो वहाँ पे आप थोड़ा वो होंगे। बट पूरी सीरीज में कॉमेडी कूट कूट कर भरी है, एक्टिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ऐसा नहीं कि हाँ, क्योंकि पहली OTT वेब सीरीज है रवि किशन की एंड ही वॉज ट्रिमेंडस इन द एक्टिंग, एवरीवन नो दैट। तो और वो भी फिर कॉमेडी, सीरियस रोल तो सीरियस अपनी जगह, कॉमेडी भी फिर अपनी जगह है। तो पहला OTT उनका डेब्यू था, एज ए OTT डेब्यू पहली वेब सीरीज आई है रवि किशन की एंड इट वॉज क्वाइट ऑसम, देख सकते हैं एंड फनी है बहुत ज़्यादा। और कुछ चीज़ें बताई गई है कि किस वे में लॉयर्स केसेस डील करते हैं, किस वे में केसेस लेके केसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे से, कमीशन बेसिस पे कैसे चलता है कि भाई मैंने केस लिया, तुम्हें केस दिया, मुझे मेरा इतना कट है, 10% का कट, 5% का कट, फिर वकील झूठ बोलना कि तुमने कितने 2 लाख में बात की थी, तुम्हारा रिश्तेदार निकला तो मैंने 20,000 में डन कर दिया, फिर पता चलता है कि इसने तो 3 लाख ले लिए। तो ये कुछ फनी चीज़ें हैं, कुछ इमोशनल चीज़ें भी हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि बहुत ज़बरदस्त, रवि किशन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं बार काउंसिल के प्रेसिडेंट का, और उसके ऊपर से जो कैनवसिंग होती है फिर, एंड सबसे मस्त ट्विस्ट, हर चीज़ करने के बाद फिर रवि किशन जो है इलेक्शन हार जाते हैं, क्या ट्विस्ट था। मैं तो समझो पूरी सीरीज देखने के बाद कि हाँ भाई चलो ये फाइनली ये होगा, ये तो इलेक्शन जीत जाएंगे वन साइड, बट सीरीज में ट्विस्ट हुई है कि वो इलेक्शन हार जाता है बंदा। इतना सब बड़े बड़े लॉर्ड्स का रिकमेंडेशंस, ये वो हर चीज़ करने के बाद इलेक्शन हारने के बाद, बट जो क्लाइमैक्स है वो कहीं ना कहीं फनी वे में हमें बांध के रखता है कि भाई ऑसम क्लाइमैक्स था सीरीज का, वर्थ इट। एंड जो सीरीज पूरी इलेक्शन की कैंपेनिंग में रवि किशन जो बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ते हैं, बार काउंसिल प्रेसिडेंट का, उसके लिए ऐसा लगता है कि भाई वन साइडेड जीत जाएगा बंदा, बट फिर जब ये फाइनली जब रिजल्ट आता है तो ये हार जाता है, और क्लाइमैक्स में वही ट्विस्ट है और वो बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट है। हारने के बाद क्या होता है सब, ठीक है आप देखिए, आपको पसंद आएगी सीरीज, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, ठीक है। 8 एपिसोड्स है रवि किशन की पहली सीरीज, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड जाइए जाकर इंजॉय करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स लॉट फॉर सपोर्टिंग माई प्रीवियस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड बाय।